राम ने भेजा है। राम के लिए काम करती हो? करती हूँ। जानती हो इस बैग में क्या है? हाँ। और ये भी जानती हो कि अगर पकड़ी जाती तो जेल हो जाती? हाँ जानती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें इन कामों के लिए मना नहीं करती? इतने दिनों मेरी माँ ने मुझे पाला है, अब मैं उसे पालती हूँ, उसका और कोई सहारा नहीं। लड़की मुझे समझने की कोशिश कर, जिन हालात में तेरी माँ मुझे छोड़ गई और जिन हालात में वो वापस आई, मेरी जगह कोई भी होता तो शक करता, सबूत मांगता। मैं अपने माँ बाप का जीता जागता सबूत हूँ, मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। जिद्दी बिल्कुल मेरी तरह है। पराई लड़कियों को इस तरह नहीं छूते सेठ जगतपाल। सेठ जगतपाल मत बुलाओ मुझे। तो फिर क्या बुलाऊं? कुछ भी कुछ भी। कुछ भी क्या? या तो हम दोनों में रिश्ता है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं है, और अगर है तो फिर क्या है? इसका फैसला मुझे नहीं आपको करना है। मैं आपको क्या बुलाऊंगी इस बात पर मुनसर है कि आप मुझे क्या बुलाते हैं। मधु। साहिबान, एक अपाहिज होकर मैंने जो तकलीफें सही हैं, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे भी वही तकलीफें सहें। बस मेरी आप लोगों से इतनी ही इल्तजा है कि इस आश्रम का नाम मेरी बेटी मधु के नाम पर रखा जाए, और इसके लिए मैं इस आश्रम को 1,00,000 रुपए का चंदा देता हूं। बाबा देखो ना जिंदगी कितनी अजीब है, मधु आपकी बेटी निकली तो? बाबा मैं मधु से प्यार करता हूं। मेरी बेटी के बारे में तेरे मुंह से ऐसी बात? क्यों नहीं बाबा, मुझे भी तो आप ही ने पाला है। बंद करिए बकवास, नाली का कीड़ा तुझे पाल पोस कर बड़ा किया तो आज मेरे सामने जबान चलाता है? हमारे घर में नाली का कीड़ा कौन समझा जाता था, इसे हम भूल ही जाएं तो बेहतर है। मैं एक शरीफ आदमी की तरह मधु का हाथ आपसे मांग आया हूं। तुम और शरीफ आदमी, जानते हो तुम्हारे सर पर कितने जुर्म हैं? कल पुलिस तुम्हें किसी गली में दौड़ाकर कुत्ते की मौत मार देगी। जिस जुर्म पर मेरा नाम लिखा जाएगा उस पर तुम्हारा नाम पहले से लिखा होगा, और जिस गली में मैं कुत्ते की मौत मारा जाऊंगा उस गली में एक बहुत बड़ा कुत्ता पहले से मरा पड़ा होगा। तेरी बोटियां करवा दूंगा। अगर तुमने पाल पोस कर हमें बड़ा नहीं किया होता तो आज इसका जवाब मैं भी देता। जगतपाल सिंह का घर यही है क्या? जी हाँ यही है। सरस्वती भाभी, भाभी आप जिंदा हैं? भाभी आपको देखकर कितनी खुशी हुई। भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आप नहीं मिली, मुझे माफ कर दीजिए। उसे भूल जाओ जगतपाल, मैं भी भूल चुकी हूं। बस इतना बता दो मेरे बेटे कहां है। तुम्हारे बेटे? भाभी तुम्हारे बेटे तो बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, ये सारी रौनक उन्हीं से है। जहाजों का कारोबार करते हैं, दुबई में रहते हैं। दुबई? हाँ कौन सा दूर है, आज अगर तार कर दूंगा तो अगले हफ्ते चले आएंगे। अगले हफ्ते? अगर आप एक हफ्ता इंतजार करना नहीं चाहती हैं भाभी तो कल ही उनका जहाज दुबई जा रहा है, आप उसमें चले जाइए। आपको देखकर बाग बाग हो जाएंगे भाभी, हमेशा आपको याद करते थे। हाँ इंस्पेक्टर बलराम, तुम पुलिस में हो मगर मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता सकती हूँ कि तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे।
यहाँ ऐसे लोग हैं जो गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उन्हें फुसला लेते हैं, फिर जहाजों में डालकर उन्हें विदेश भेज देते हैं, वहां उनका व्यापार होता है। क्या बात कर रही है? सच कह रही हूँ, एक लड़की वहां से बचकर भाग आई, उसने मुझे बताया। मुझे उससे मिला। सच निकला तो क्या करोगे? तुम क्या समझते क्या करूंगा? मैं क्या इतना बेगैरत हूं कि मेरे देश की लड़कियां बिकती रहें और मैं ये वर्दी पहनकर आंखें नीचे देखता रहूं? तेरी कसम शोभा, उन जहाजों में आग लगा दूंगा मैं। अच्छा भाभी, ये जहाज तुम्हें तुम्हारे बेटों तक पहुंचा देगा और मेरे दो आदमी है ना, ये रास्ते में तुम्हारा ख्याल रखेंगे। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा ख्याल रखना कि बुढ़िया वापस ना आए, समझा? अरे किस बात की देर है जालिम, बोट छोड़ो छोड़ो, जल्दी करो। रुको रुको, सामने वाले कमरे में चले जाइए, आपके घर पहुंचने का इंतजाम हो जाएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट। नाम? सरस्वती। सरस्वती।
उमर 46 आप इन जवान लड़कियों में कैसे शामिल हो गए? मैं नहीं जानते, मैं अपने बेटों से मिलने दुबई जा रही थी। आपने जहाज का टिकट खरीदा था? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जहाज पर बिठा दिया गया था। किसने बिठाया था? जहाज के मालिक जगतपाल सिंह ने। आपका नाम? सरस्वती। सरस्वती, आपके बेटों का नाम? राम, बलराम। बलराम, तुम्हारी आंखें क्यों भीग गई बेटी? मेरी तो सिर्फ आंखें भीगी हैं माँ जी, मेरा भाई तो सार सार रोएगा। भैया, मैं तो बहुत छोटा था, जरा देखिए इन्हें, कुछ याद आता है? चाहता था कि तू पहले भैया से मिले। क्यों? मैं तेरी मां नहीं। ऐसा मत कह मां, ऐसा मत कह। तू मां नहीं तो मेरा इस दुनिया में कौन है सिवाय भैया के? माँ, भैया को रोको। माँ मुझे नहीं रोकेगी, जगतपाल जिंदा रहने के काबिल नहीं है। नहीं रामू, नहीं, खून खराबों ने पहले ही हमारा घर बर्बाद कर दिया है, ये तुम क्या करने जा रहे हो? जो उस दिन हो जाना चाहिए था माँ, वो आज होके रहेगा। नहीं, नहीं, एक बार तुझे खो दिया, जाने कैसे जिंदा रह गई, अब दूसरी बार तुझे खो दूं, ये मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। माँ, जिस धरती पे वो गलीज इंसान जिंदा है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया, उस धरती में मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। अब या वो रहेगा या मैं रहूंगा। होश में आओ भैया, आधी जिंदगी तो उसने हमारी बर्बाद कर दी, अब बाकी जिंदगी तुम अपने हाथों से बर्बाद करना चाहते हो? आज बरसों के बाद भगवान ने माँ को हमारे पास भेजा है, क्या इसलिए कि वो तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ता हुआ देखे? तेरे मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती बल्लू। मेरे दिल में भी बदले की आग जलती है भैया, लेकिन उस बदले की कीमत तुम्हारी जिंदगी नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, कोई मकसद नहीं रहा। मकसद पूरा होगा भैया, जगतपाल अपनी मौत मरेगा, उसके गंदे खून से हम अपने हाथ क्यों गंदे करें? अब तुम्हारे हाथ में यह बैसाखी अजीब सी लगती हो। अजीब सी या भयानक? बच्चा अंधेरे से डरता है बाबा, फिर एक दिन वो बड़ा हो जाता है। तो तू बड़ा हो गया है, मेरे सामने भी बड़ा हो गया है। देखो बाबा, ये नोक चुभती है। तूने जहाज पर धावा बोलने की हिमाकत क्यों की? ताकि रामू भैया सुलेमान की जगह ले सकें, तुम्हारा ही तो प्लान था, नहीं? वो तो था, लेकिन तूने मुझसे पूछे बगैर उसकी जान क्यों ली? पूछे बगैर? छोड़ो ना बाबा,
बच्चा कभी ना कभी तो बड़ा होता ही है। तो तुम बड़े होने पर तुले हुए हो। वो औरतें जो पकड़ी गई उनमें एक बुढ़िया भी थी। बुढ़िया? कौन बुढ़िया? हाँ, एक बुढ़िया थी, लेकिन बेचारी गोली से मारी गई। बच्चा मुझसे फरे। का मतलब समझता है? मतलब वही है जो तुम समझ गए हो, जगतपाल सिंह। जगतपाल सिंह? ठीक है इंस्पेक्टर बलराम, ठीक है। तुम यहां क्यों आए? कैसे आए? हाँ, मैं सब समझती हूं, लेकिन तुम्हें ऐसे फोन नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, तुम मेरे घर मत आना, मैं तुम्हें बाहर मिलूंगी। दोनों पौरा इसमें इतना पैसा है कि तुम अपने बाकी दिन चैन से बिता सकोगे। मुझसे फिर नहीं मिलना। तुम्हारी एक भूल से मेरी खुशकिस्मती बदकिस्मती में बदल सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मधु को मेरा प्यार देना। जी। ये रुपए मेरी बीवी ने तुझे दिए हैं, बता किस लिए दिए हैं? बता। सुवर बोलता क्यों नहीं है? एक ही बात हो सकती है कि मधु मेरी बेटी नहीं है। जानते हो तो मुझसे क्यों पूछते हो? मैं तेरी जबान से सच सच उगलवाना चाहता हूं। बता, अगर तू सच बता देगा तो ये रुपए मैं दुगने कर दूंगा। तुम्हारा बच्चा तारा ने गिरवा दिया था। फिर एक समाज सुधारक ने तारा से शादी कर ली थी। मधु उसी की लड़की है? हाँ। वो अब कहाँ है? मधु के जन्म से पहले ही मर गया था। इस राज को मधु भी नहीं जानती। हरामजादे, जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे सुख मिला था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। निकल जा मेरी आंखों के सामने। ठीक है जगतपाल, मैं भी देख लूंगा। मैं कितनी बार आई हूं, तुमसे कोई कहता नहीं? तुम एक बहुत बड़े बाप बहुत बड़े घर की बेटी हो गई हो। बड़ा घर बड़ा बाप, ये मेरे और तुम्हारे बीच में आएंगे तो मैं दोनों को छोड़ दूंगी। आइए बैठे, बैठो भैया। मलू, मैं भी आता हूं। राम, मैं तुम्हारे बाप और चाचा को अच्छी तरह जानता था। मैंने अपनी आंखों से उनका खून होते हुए देखा था। खून? उसके बाद मैं अपनी जान बचाकर भागा। ए, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम, मैं अभी आती हूं। एक भाई जबान चलाता है, दूसरा पिस्तौल दिखाता है। इसी दिन के लिए पाला था तुम दोनों को? एक भाई जबान चलाता था, दूसरा भाई पिस्तौल दिखाता था, लेकिन गोलियां किसी तीसरे ने चलाई थी। तो तुम बनवारी की बातों में आ गए। मैं तो समझा कि शायद तुम मधु की वजह से मुझसे नाराज हो। अरे बेटा, तुम बनवारी को नहीं जानते। राम, ये क्या कर रहे हो?
पागल हो गए हो? हाँ मधु, देखो ना, मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो ये कितना भड़क गया। अरे बेटे, मैं बड़ी धूमधाम से तेरी शादी मधु के साथ करूंगा। इससे पहले धूमधाम से मैं तुझे दफना दूंगा। आज तुम पर क्या भूत सवार हो गया है राम? मेरे इरादे को डावाडोल मत करो मधु। इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे बदला लेना है। तो ठीक है, चला गोली। जो गोली मेरे बाप का खून करेगी वो मेरे जिस्म से गुजर के जाएगी। हट जाओ मधु। नहीं, ये क्या किया तुमने मधु? क्या जी? डैडी की बच्ची, ले जाओ, बंद कर दो इन दोनों को।